शामली के कांधला थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि तीन पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपी बदमाश किसी की हत्या करने के लिए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के पास ये सूचना थी क्योंकि विपक्षी पार्टी के हत्या करने के लिए, क्योंकि इसी विपुल खूनी पर ही मुकदमा चल रहा है, उसी अपनी विपक्षी पार्टी के मर्डर का, जो उसमें गवाह है उसी की हत्या करने का प्रयास लगातार कर रहा था। आज ये सूचना हमें मुखबिर के माध्यम से थी कि ये किसी ना किसी तरीके से अटैम्प्ट करने के लिए वहाँ की कोशिश कर सकता है। उसी दौरान वहाँ पर जो गश्त की जा रही थी लोकल थाना मोबाइल के द्वारा, तो जैसे ही वहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए और उनको काउंटर करने की कोशिश की गई, तो इमीडिएटली वहाँ पर मुठभेड़। फिलहाल पुलिस ने घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और आरोपी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। शामली से सरफराज अली, पंजाब केसरी टीवी।